हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। तो हम आपको जैसा पता है कि हमने हमारा ऑलरेडी जो है लाइफ प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन जो है इसका एक वीडियो अपलोड करके जो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो, मैं आई बटन दे देता हूँ। और उसमें हमने सीखा था कि कैसे जो हम एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यस, सो टुडे इन दिस वीडियो हम क्या करने वाले ना बच्चों, हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। वी विल अगेन प्रोड्यूस एनर्जी बट नॉट विथ एरोबिक, बट आज हम करने वाले हैं विथ एरोबिक, तो एनरोबिक। तो आज हम जो है ना एनरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो हम सीखेंगे। अब देखो, होता यूं है कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या एनिमल्स है, प्लांट्स है, जो कभी ना कभी एनरोबिक रेस्पिरेशन का जो है यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बट द क्वेश्चन अराइजेस बहुत बच्चों के माइंड में कि व्हाट इज एनरोबिक एंड व्हाट इज एरोबिक। तो देखो बच्चों, मैंने बता दिया था एरोबिक रेस्पिरेशन पिछले वीडियो में, जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज करके जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो वो होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। बट आज हम करने वाले हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन है नहीं बट फिर भी कोई एक ऑर्गेनिज्म अगर एक एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलेंगे एनरोबिक रेस्पिरेशन, इन विच वी आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। यस, तो एनर्जी प्रोडक्शन होने वाला है। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो कुछ मैंने टॉपिक तो हमारा जैसे है एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, जब भी हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ना, तो एक चीज आप समझ लो यहाँ पे, माइक्रो मतलब होते हैं ना कि बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, राइट? जैसे बैक्टीरिया हो गया या कोई वायरसेस हो गए, राइट? तो जैसे बैक्टीरिया एक छोटा ऑर्गेनिज्म है, राइट? तो वैसे हम यहाँ पे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ओके? और मैक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बड़े ऑर्गेनिजम्स। या तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ताकि आपके लिए जो है बहुत सिंपल हो जाए, ओके? तो देखो पॉइंट्स क्या है हमारा यहाँ पे, द ऑर्गेनिज्म दैट कांट स्टे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं रह सकता, ठीक है? तो कांट स्टे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हैव टू परफॉर्म एनरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसे एनरोबिक रेस्पिरेशन ही करना पड़ेगा, किस लिए? उसका एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एग्जाम्पल दिया हमने यहाँ पे बैक्टीरिया। यस, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट, अब मैं बता दूं आपको, एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखोगे, आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। पॉइंट वाइज आपको पूछा गया व्हाट इज एनरोबिक रेस्पिरेशन, राइट? तो यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, टेक द स्क्रीनशॉट, जो हमारा पढ़ा के हो जाएगा। आपको सारी चीजें ऐसे ही लिखनी है, ओके? नेक्स्ट, अभी देखो हमने नेक्स्ट क्या लिखा है। सो इन एनरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर द मेन स्टेप्स, ओके? देखो जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन में थे ना, तो वहां पे हमने ग्लाइकोलिसिस लिया था, चेन रिएक्शन था, क्रेब्स साइकिल था, राइट? फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन था, तो वो सारे प्रोसेस से हमने जो है क्या किया था, एनर्जी प्रोड्यूस किया था, राइट? बट यहाँ पे इस वक्त दो चीजें जो मायने रखती है, वो है ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। नाउ ग्लाइकोलिसिस जो है हमने हमारे एनर्जी प्रोडक्शन विद एरोबिक रेस्पिरेशन में भी किया था बच्चों। और देखो ग्लाइकोलिसिस जो है सबसे पहला प्रोसेस था वहां पे, और वहां पे ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों ने क्या किया था, हमने ग्लाइकोलिसिस से जो है पाइरूविक एसिड बनाया था। तो यहां भी वही होगा, अगर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस से पाइरूविक एसिड मिलेगा मुझे। और एक बार बता दूं आपको मैं कि यहां पे ग्लाइकोलिसिस मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है, हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। यस, तो व्हेन माय ग्लूकोज आर गेटिंग ब्रेकडाउन, देखो सिंपल सी बात है, मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी एक ही से मिलेगी, वो है ग्लूकोज। तो वो हम दो तरीके से लेंगे, या तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो जो कन्वर्जन होगा, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो। तो यहाँ पे तो वो सारा जो प्रोसेस था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस था, यहाँ पे भी ग्लाइकोलिसिस है, वहां भी हमें ग्लाइकोलिसिस से पाइरूविक एसिड मिला था, यहाँ भी पाइरूविक एसिड मिलेगा, बट आगे का प्रोसेस अलग होगा। वहां पे हमें एसिटाइल कोएंजाइम नहीं मिला था, फिर आगे हम FADH2 NADH2 करके सारे प्रोसेस करके फिर हमने ATP बनाया था। अब यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग होगा। तो नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। तो ये दो चीजें होने वाली है जो कि आपको याद रखनी है, ओके? ये मेन स्टेप है। अब देखो मैंने आपको कुछ लिखा है, इन दीज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इन दीज मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे एनेरोबिक रेस्पिरेशन की। सो इन दीज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, लेस अमाउंट ऑफ, ध्यान से सुनना, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन। यहाँ पे एनर्जी हमें बहुत ही कम मिलता है बच्चों, इन कंपैरिजन विद एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज
ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज कोई चीज कब होगी? जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी. यहां तो ऑक्सीजन है ही नहीं, राइट, और रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इन इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन है यहाँ पे. देयरफॉर हमें यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है वो कैसा मिलता है बच्चों? लेस मिलता है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट आवर सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, द पाइरुविक एसिड ऑब्टेन थ्रू ग्लाइकोलिसिस. ओके, जैसा हमने बताया था कि हमें जो है ग्लाइकोलिसिस से पाइरुविक एसिड मिलेगा. अब देखो उसका क्या होने वाला है, इज कन्वर्टेड इनटू, ध्यान से सुनना, हमारा जो पाइरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होगा किस में, ऑर्गेनिक एसिड या फिर अल्कोहल. ये दो वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो हमारा पाइरुविक एसिड था वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑर्गेनिक एसिड में या तो अल्कोहल में. ओके, अब देखो ऑर्गेनिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है. अब हमने ऑलरेडी जो है चैप्टर कार्बन कार्बन कंपाउंड भी पोस्ट कर दिया है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ वहां पे देखो. और यस, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर वीडियोस नहीं मिल रहे. बच्चों देखो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, या फिर आप टाइप करो प्लेलिस्ट में जाके नाम, तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है. तो इसे सर्च मत करते रहो, आप सीधा प्लेलिस्ट में जाओ. ओके ओके, सो यहाँ पे हमने क्या कहा, ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल. तो हमारा क्या होगा, पाइरुविक एसिड जो है दो चीजों में कन्वर्ट होगा, ऑर्गेनिक एसिड या फिर अल्कोहल. अब ये अल्कोहल बोलोगे बच्चों तो बहुत लोग बोलेंगे क्या अल्कोहल क्या है ये. देखो अल्कोहल जो सब सोच रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. सी एक्चुअली वो इसी से बनता है, बट फिर भी बता दो आपको. सी हमने अल्कोहल को भी और अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन द चैप्टर कार्बन कार्बन कंपाउंड. और अल्कोहल जो एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, तो कैसे कार्बन चेन में ये एक्ट होके हमारा एक जो है कार्बन कंपाउंड मुझे एक अल्कोहलिक ग्रुप देता है. तो वो सारी चीजें अब हम वहां पे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है. और आपको डोंट वरी, आपको वहां पे बहुत अच्छे समझेगा. एंड यस, राम सर ने एक्सप्लेन किया है उसे. सो ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम. तो इस प्रोसेस को करने के लिए कौन सा प्रोसेस, पाइरुविक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए We will require some enzymes. Okay, आपको भी उनके नाम नहीं दिए, याद भी नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. With the help of some enzyme, अगर आगे दिए ना तो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है. Enzymes in this process, and this is called fermentation. Yes, तो हमने बोला था यहाँ पे दो प्रोसेस होने वाला है बच्चों, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन. तो ये वाला जो प्रोसेस है थर्ड स्टेप जो हमने पढ़ा अभी, यही है हमारा क्या बच्चों, फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है. एक बार फिर से रिकैप करते हैं, हमने क्या किया, मैंने बताया कि एनर्जी प्रोडक्शन बाय एनरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होने वाला था, हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, एनर्जी चाहिए था किससे, ग्लूकोज से. तो हमारे यहाँ पे दो स्टेप इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है हमारा कौन सा बच्चों, यस फर्मेंटेशन. तो अभी ग्लाइकोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, पाइरुविक एसिड, गुड. और पाइरुविक एसिड जो हमें मिल रहा है वो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा किस में, दो चीजों में, या दो मतलब मैंने दो नाम दिए यहाँ पे, एक ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा जो बच्चों क्या होगा, यस अल्कोहल. और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया बच्चों, फर्मेंटेशन. पाइरुविक एसिड का कन्वर्जन जो हो रहा है ऑर्गेनिक एसिड में और अल्कोहल में, इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं फर्मेंटेशन. यस, तो अब ये दो चीजें हो गई हमारी. ओके, तो यहाँ पे हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है. बट यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपको, ठीक है, इसके कुछ आंसर देने की बात करते हैं. देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ लिखा है, Can aerobic respiration is also performed by the organism or plant or animal? ध्यान सुनना. Those can stay in presence of oxygen. इसका मतलब क्या है कि ऐसे organisms या plants या animals जो oxygen में रह सकते हैं, क्या वो भी anaerobic respiration perform करेंगे? तो ये जो anaerobic respiration है, क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करेंगे जो ऑक्सीजन में रहते हैं? बिकॉज ये तो हमने उनकी बात की जो ऑक्सीजन में नहीं सरवाइव करते हैं, राइट, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रहते हैं. ओके, तो इसके लिए आपके बुक में कुछ चीजें दी है, कुछ लाइंस दी है, आपको बता दूं मैं. ओके, सी आपके बुक में पेज नंबर 15 पे कुछ दिया हुआ है. यहाँ पे इन लोग ने बोला है सम हायर प्लांट्स एनिमल्स एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो परफॉर्म एनरोबिक रेस्पिरेशन. मतलब यहाँ पे इन लोग ने कहा है कुछ प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स है, और जो एनरोबिक जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते भी हैं उन लोग भी एनरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है. ओके, अब ये चीज कब होगी? अब ये चीज तभी होती है व्हेन देयर इज डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन. जब किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो
ऑक्सीजन में रहता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, बट अगर वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उस वक्त वो ऑर्गेनिज्म जो है क्या करेगा, वो जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी आपके बुक में, यस उस पे देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बात किया है एक सीड, एक बीज जो पानी के अंदर जमीन में गड़ा हुआ है, ठीक है, या पानी के अंदर जमीन, पानी है उसके नीचे जो जमीन है, जमीन के अंदर है, इनसाइड वाटर जो सी बेड है उसके नीचे। अब वो जो बीज है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो उस वक्त वो अपने जर्मिनेशन के लिए क्या करेगा बच्चों, यस वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। बट हमें पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी हमें ज्यादा नहीं मिलती है, यस, बट वो परफॉर्म करेगा, यस। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमारे मसल्स, हमारे बॉडी के जो मसल्स है, बॉडी में जितने भी मसल्स है, एंड यस हमारे मसल्स का रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, प्रोटीन, जिसपे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, यस। तो अभी हमारे बॉडी में जो मसल्स है, अगर सपोज देखो कभी मैं एग्जांपल दूं आपको, सपोज आपके स्कूल में कभी कोई पीटी पीरियड हो, राइट, तो आप लोग पीटी पीरियड में, या फिर आप समझो आप बहुत दिनों के बाद कभी कुछ खेलने चले गए, बैट बॉल खेलने चले गए, आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की बहुत दिनों के बाद, या आप दौड़ दिए, राइट, बहुत ज्यादा, तो क्या होता है ना, देखो आप देखोगे तो आपके पैर में दूसरे दिन दर्द होने लगता है, और ऐसा कि नहीं बहुत ज्यादा दर्द होगा, बट एक स्वीट पेन होता है। तो वो स्वीट पेन क्यों होता है मैं आपको बता दूं बच्चों, वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कभी कभी, तो उस वक्त क्या होता है हमारे बॉडी को जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ना उतना नहीं मिल पाता है। तो हमारा बॉडी क्या करता है कुछ ऐसे, तो उस वक्त हमारा बॉडी क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, और जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है तो उस वक्त हमारे बॉडी के मसल्स में लैक्टिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे देखो दिया है आपके बुक में, ओके, सो आपके बुक में ही दिया है, क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे बॉडी में जो है क्या हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड हमें जो है पेन होता है, और वो ज्यादा नहीं एक दो दिनों के लिए होगा फिर चले जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द लैक्टिक एसिड जनरेटेड इन आवर बॉडी व्हेन वी डू मोर फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। सो ये कब होगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होगा उस वक्त, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही हमें लैक्टिक एसिड मिलेगा, अदरवाइज एरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये था हमारा कुछ एनर्जी प्रोडक्शन, ओके। अभी एक मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूँ बच्चों, उस फ्लो चार्ट को देखना, और कुछ हम एक आपके बुक में दिया हुआ फ्लो चार्ट, तो हम एक क्विक रिकैप करेंगे जैसा फ्लो चार्ट में दिया, ओके। तो आपको स्क्रीन में जो फ्लो चार्ट दिख रहा है, अब देखो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में है ग्लूकोज, अब ग्लूकोज जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ तो ग्लाइकोलिसिस में। अब देखो यहाँ पे हम पहले सेंटर लाइन में जाएंगे ग्लाइकोलिसिस, अब ग्लाइकोलिसिस किसमें जाएगा बच्चों, पाइरूविक एसिड में, पाइरूविक एसिड से फिर क्या होगा, फर्मेंटेशन, जैसा अभी हमने पढ़ा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, और फर्मेंटेशन हुआ। अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने इसके आगे क्या बताया है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल विनेगर, विटामिन एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे जब हम विनेगर का प्रोडक्शन करते हैं, सो विनेगर क्या है, हमारा एसिडिक एसिड है एक तरीके का, ठीक है, तो उस एसिडिक एसिड को बनाने के लिए हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स लगते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, और उनके एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही ये जो विनेगर है बन पाता है। अगर किसी को पता होगा सिरका, राइट, तो अगर किसी को सिरका पता है तो सिरका जो है वही चीज है, ठीक है। देखो उसको बहुत टाइम के लिए क्या किया जाता है, सिरके को आई थिंक सालों के लिए ऐसे ही रख दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होने लगते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या होता है, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन करके जो है उसके टेस्ट को चेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप हम लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे आपके, तो पाइरूविक एसिड है, फिर उसके नीचे फर्मेंटेशन, मतलब ग्लाइकोलिसिस से पाइरूविक एसिड मिल गया, फिर फर्मेंटेशन हुआ, फर्मेंटेशन से फिर अल्कोहल मिला हमें, और उसके नीचे देखो दिया ईस्ट, तो बच्चों ईस्ट जो है ना वो भी एक तरीके का यहाँ पे बैक्टीरिया ही है। ईस्ट एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए ही यूज करते हैं, तो जैसे अल्कोहल का जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, ईस्ट को यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा बहुत सारे बच्चे अगर सोचते होंगे फर्मेंटेशन क्या है, बार बार ये वर्ड आ रहा है ना, आपको बता दूं फर्मेंटेशन क्या होता है, बहुत सिंपल वर्ड में बताऊंगा आपको। अच्छा कभी किसी ने घर में इडली बनाया है, ठीक है, अगर आपने नहीं बनाया मम्मी ने बनाया होगा, तो देखो हम क्या करते हैं, इडली के आटे को पहले तो पीस लेते हैं, फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, आटे को सॉरी नहीं पीसते, पहले हम चावल भिगाते हैं उसको पीस लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर ना हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, और बेकिंग पाउडर डालने के बाद मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं वो डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसे एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट इडली नहीं बनाते,
या सपोज उसे कुछ आवर्स के लिए हम ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो जो हम उसे ऐसे ही रिलीज कर देते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं बच्चों फर्मेंटेशन। मतलब हमने उसे फर्मेंट होने के लिए रख दिया है, ठीक है। तो वो प्रोसेस होता है हमारा फर्मेंटेशन। मतलब हमारा क्या होगा, उस पर बैक्टीरिया उस पर वर्क करेंगे और वो ना थोड़ा स्पॉन्जी हो जाएगा। तो वो जो स्पॉन्जीनेस होता है ना इडली के अंदर, तो वो स्पॉन्जीनेस आता है बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। इवन केक्स जो बनते हैं वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनते हैं। तो इवन केक्स के प्रोडक्शन में भी ईस्ट पड़ता है। यस, तो यहाँ पे ईस्ट जो है ऐसे यूज किया हम लोग ने अल्कोहल प्रोडक्शन में। आप राइट हैंड साइड में देखोगे, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड से एसिड का फर्मेंटेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। और देखो उसके नीचे लैक्टिक एसिड जो हमने बताया अभी, ठीक है हमारे। और कहाँ पे होगा लैक्टिक एसिड, कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, हमारे इरिथ्रोसाइट्स में और मसल सेल्स में, ठीक है, हमारे इरिथ्रोसाइट्स में और मसल सेल्स में ये जो है हमारे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर एनर्जी प्रोडक्शन इन बाय एनरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज समझ गई होगी। कोई भी डिफिकल्टी डाउट है आप कमेंट करो, अगर और ज्यादा डाउट है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उस टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करो, आपको सारे आंसर्स दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट।